रहे हैं आरजेएन 24x7 न्यूज। मैं शुभम उपाध्याय। अब समाचार विस्तार से। आज राजनांदगांव जिले के जो राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के जितने अधिकारी हैं, उसमें डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, ज्वाइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सभी ने एक ज्ञापन सौंपा है। जो रायगढ़ जिले में तहसीलदार के साथ में जो मारपीट हुई है, उसके संबंध में सभी ने ये मांग किया है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो राजस्व न्यायालय जितने हैं वहाँ सुरक्षा के प्रबंध किए जाने चाहिए। साथ ही जो अधिवक्ता जिन्होंने मारपीट किया है उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त होनी चाहिए। ये मांग जो है राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के सभी अधिकारियों ने और छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी हैं, वही सभी के द्वारा ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से और विधि विभाग और गृह विभाग के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। हमने हड़ताल की सूचना दी है, जिला कार्यालय को, कलेक्टर महोदय को सूचना दी है कि हम हड़ताल पर रहेंगे और ये सूचना हम कल भी दिए थे, परसों भी दिए थे और आज भी हमने सूचना दी है। सूचना देने के बाद ही हम धरने पर बैठे हैं। आप सभी को विदित होगा कि रायगढ़ में जो घटना हुई है, वीडियो वायरल हुआ है, उसका सभी ने देखा होगा। कतिपय अधिवक्ताओं द्वारा तहसील में आकर हमारे एक रीडर को और एक वृद्ध को बहुत ज़्यादा मारा है उनको, और उनको बचाने के लिए जो हमारे नायब तहसीलदार आए हैं उनके साथ भी मारपीट किया है। तो इससे यह लगता है कि नायब तहसीलदार और एक तहसील परिवार, एक खुद मजिस्ट्रेट होते हैं वो, अगर मजिस्ट्रेट ही सुरक्षित नहीं है तो कैसे काम होगा, काम संभव नहीं है, काम का सुचारू रूप से संचालन। तो इसी के लिए हमने मांग किया है कि जिन कतिपय अधिवक्ताओं ने ये मारपीट किया है, ये निंदनीय हरकत किया है, शर्मनाक हरकत किया है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जावे। और हमने समय भी दिया था एसपी महोदय को रायगढ़ में, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है सबकी, चार लोगों का नाम है उसमें, तो हम हड़ताल पे जाएंगे सोमवार से। तो अभी तक चारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सूचना मिली है कि दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो हम चाहते हैं कि चारों की गिरफ्तारी हो तत्काल, और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती। और हमारी दूसरी मांग ये भी है कि हमें राजस्व न्यायालय को, सभी न्यायालय को, चाहे नायब तहसीलदार का न्यायालय हो, चाहे तहसीलदार न्यायालय हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर का न्यायालय हो, सभी न्यायालय को 1+4 की सुरक्षा प्रदान की जावे और मुहर्री प्रदान की जावे, ताकि हम एक अच्छे माहौल में काम कर सकें और इस तरह की घटनाएँ बार बार ना हो। तो जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आज यहाँ जिला मुख्यालय में सारे पूरे तहसील के परिवार आए हुए हैं हड़ताल में शामिल होने के लिए, और कल हमारा योजना है कि रायपुर में जाकर पूरे राज्य स्तर पे उसको, हड़ताल को हम जारी रखेंगे कल के लिए। ऑफिसों में ताला लगा। हाँ, यही इसी मांग को लेकर के आज ज्ञापन सौंपा गया है और सभी तहसीलदारों के द्वारा जो है इन धरना प्रदर्शन की कार्यवाही, धरना शांतिपूर्वक धरना दी जा रही है ना, और इसमें अग्रिम कार्यवाही जो भी है शासन द्वारा ली जाएगी। राजनांदगांव जिले के जो राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के जितने अधिकारी हैं, उसमें डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, ज्वाइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर, सभी ने एक ज्ञापन सौंपा है। जो रायगढ़ जिले में तहसीलदार के साथ में जो मारपीट हुई है, उसके संबंध में सभी ने ये मांग किया है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो राजस्व न्यायालय जितने हैं वहाँ सुरक्षा के प्रबंध किए जाने चाहिए। साथ ही जो अधिवक्ता जिन्होंने मारपीट किया है
उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त होनी चाहिए। ये मांग जो है राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के सभी अधिकारियों ने और छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है जिसमें तहसीलदार नायब तहसीलदार सभी हैं वही सभी के द्वारा ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से और विधि विभाग और गृह विभाग के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। शुभ नाम बताइए। सी.एल. मार्कंडे एडिशनल कलेक्टर राजनांदगांव।